तो चलिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग डेली वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है दोस्तों, जब वीडियो अपलोड करते हो उसी समय दोस्तों आपको एक ऑप्शन आता होगा कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग जब भी वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, मतलब बार बार ये आप लोग को दोहराते हो कैटेगरी सेलेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसे ट्रिक लेकर आ गया हूँ, एक ऐसे सेटिंग को आप लोग को बताने वाला हूँ जिस तरीका से आप लोग अपने कैटेगरी को बार बार सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग सेलेक्ट कर देगो तो दोस्तों वो जब भी वीडियो आप लोग अपलोड करोगे ना, जहां से वीडियो अपलोड करोगे, चाहे आप YouTube से आप वीडियो अपलोड करो, चाहे आप क्रोम ब्राउजर से अपलोड करो वीडियो को, एनी टाइम दोस्तों वहां से सेलेक्टेड आएगा आपका कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद है तो हमारे चैनल पर, नहीं तो चैनल को फर्स्ट बार अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालू आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्यार से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां से बिल्कुल लाइव और बिल्कुल डिटेल्स में समझाने के लिए दोस्तों यहां से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले यहां से बिल्कुल आपको ध्यान से बिल्कुल आपको वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो को बिल्कुल आप लोग मिस करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया दोस्तों। यहां से आपको अपने सबसे पहले आपको यहां से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। ठीक है, क्रोम ब्राउजर को दोस्तों यहां से ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है YouTube.com। जैसे दोस्तों आप लोग YouTube.com आप यहां से सर्च करिएगा, उसके बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहां से बिल्कुल आपको ध्यान से देना, यहां पे आपको कॉर्नर में यहां पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहां से नीचे की ओर यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर दोगे तो दोस्तों जो आपका ये साइड है ना डेस्कटॉप साइड पे यहां से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको यहां से इनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद से मेरा साइड डेस्कटॉप साइड पे हो गया है। अब दोस्तों यहां पे क्या करना है, यहां से बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोग को कॉर्नर में आपका प्रोफाइल नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो का। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप लोग YouTube स्टूडियो वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यानी जो आपका चैनल है ना वो डेस्कटॉप साइड में ओपन होकर इस तरह से आपका चैनल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से आप लोग क्या करना है, यहां से दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है। यहां से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सेटिंग वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए ना दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां से देख सकते हैं दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड डिफॉल्ट्स। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको अपलोड डिफॉल्ट्स वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, दोस्तों यहां से देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों यहां से देख सकते हैं दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, जो मैं आप लोगों को बता रहा था बार बार आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे थे, अब दोस्तों यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, तो सिंपली दोस्तों आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग कैटेगरी वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों आपके सामने जितना मतलब जिससे रिलेटेड आप लोग वीडियो डालते हो ना, कौन सा मतलब रिलेटेड से वीडियो डालते हो, यहाँ सारा ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जिस टाइप का आप लोगों को वीडियो डालना है, जिस तरह से आप लोग वीडियो डालते हो, जिस कैटेगरी से वीडियो डालते हो, उस कैटेगरी का दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेना। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ से आप लोग को उसको चूज कर लेना है, दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से नीचे हमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको सेव वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो कैटेगरी है ना परमानेंटली सेव हो गया है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग को बार बार कैटेगरी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहां से मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करोगे तो यहां से ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, यहां से आप लोग YouTube से वीडियो अपलोड करोगे तो यहां से ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, यहां से आपका कैटेगरी। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को मैं बता दिया हूं सटीक तरीके और सही जानकारी यहां से मैं आप लोगों को बता दूं। और इस तरह से आप लोग फॉलो करते हो ना तो दोस्तों यहां से आप लोगों को कैटेगरी को बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्यार से लाइक कर दीजिए, अपने पेज और चैनल बनाए तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियो हमारे पेज और चैनल के माध्यम से डेली अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।